छेड़छाड़ करता रहा मुझसे बहुत नसीब, मैं जीता रहा तकदीर से, हारा वही गरीब। अख्तर साहब ने ये लाइनें बहुत पहले लिखी थी और आज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनकी ये बात आज भी इस देश के गरीबों में साफ दिखाई देती है। देश ने इस बार आज़ादी का 78वां महोत्सव मनाया, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हो गए हैं? आज भी इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो आज़ादी के 78 साल बाद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और ये वर्ग और कोई नहीं, गरीबी में जी रहे लोगों का है। आज हम आपको लेकर चलते हैं पटना के कंकड़बाग इलाके के टीवी टावर वार्ड नंबर 46 की महादलित बस्ती में। यहाँ करीब 100 से ज़्यादा घर हैं, लेकिन एक बात बहुत चौंकाने वाली है, इस बस्ती में एक भी ऐसा घर नहीं है जहां गैस कनेक्शन हो। यहां के सभी लोग आज भी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। आइए देखें हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट को। क्या यहां उज्ज्वला योजना का लाभ मिला आप लोगों को? जी सर, नहीं मिला है। तो आप लोग खाना कैसे बनाते हैं? चूल्हा लकड़ी पर बनाते हैं, बहुत परेशानी होते हैं, खाना बनाने में बहुत परेशानी होते हैं, धुआं लगता है, आंख दर्द देता है, बच्चा रोता है, भूखल सब रहते हैं, कभी बनाता है खाना, कभी नहीं बनता है। लकड़ी लकड़ी कहाँ से लाते हैं? चुन के लाते हैं कचरा से। और जब कभी लकड़ी नहीं मिलता होगा तो भूखे रह जाते हैं। भूखे रह जाते हैं, कभी बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा है, लकड़ी नहीं चुन पाते हैं तो बच्चा सब भूखे सुत रहते हैं। बारी अभी पका के उठे हैं, के बज गया, अभी खानू नहीं खाए, अभी बैठल है, आप बुला लिए तो हम आए, अभी पका उका के बर्तन हारी करके आए हैं, अब जाएंगे खाएंगे। बड़ी दिक्कत लकड़ी में बनाए में हो रहा है, बड़ी दिक्कत, उनने से लकड़ी चुन के लावो ऐसा है, बाल बच्चा छोड़ता नहीं है, फिर जाए में नहीं बनता, कभी बाल बच्चा भूखे रह जाता है, कभी हम रह जाते हैं, कभी पति रह जाता है, कहाँ पूरा धुआं लगता है, पसीना में गर्मी में धूपा में पकाते हैं, हो जा चूल्हा है, पकाते पकाते रौदा हो जाता है, बालो बच्चा रोता है, हमने सब में परेशानी होता है, पकाए में नहीं बनता है, गर्मी लगता है तो क्या करें, सरकार पैसा देता है हम सबके, कलेक्शन देगा तो पैसा मांगेगा तो पैसा कहाँ से देंगे, बूढ़े आदमी हमको कोई कमाए वाला है ये नहीं, कहाँ से हम देंगे। बच्चे लोगों को भी धुआं लगता होगा? जीरी जीरी वो पोती है, इसको बाप माए मार रहे, नहीं है बाप माए, तन तनी गो पोती है, क्या करें, हमरो आँख से नहीं जनाता है, बना ले आँख में पकाते हैं धुआं में तो क्या करें, सरकार आज राशनो देता है तो कहो महीना में नहीं जाते हैं तो फिर देवे नहीं करता, और राशनो में ले के 20-30 किलो तो मिलो है 10 किलो। अच्छा, आपका आँख गोली की बनवाई थे? एगो आँख बनल है, एगो आँख नहीं बनल है, नहीं जनाता है बेटा, अभी भी धुआं लगता होगा तो और भी। हाँ भी, हाँ देखो ना, जना होता है इससे पे एकदम नहीं जनाता, इससे जेरी में नहीं जनाता कुछ नहीं, का करें बेटा बोलो, हमको पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट से बना लें, गरीब आदमी। अच्छा, समस्या को लेके आप कभी कोई अधिकारी से शिकायत नहीं करती हैं, वार्ड पार्षद वगैरह को नहीं कहते हैं? कहा हैं, गए हैं, बाकी लीडर भी उनको भी गए तो नहीं बनाए, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ, हाल ही नहीं मिलता, जाए पड़ता है रौदे रौदे, उन्हें उन्हें बाईपास देने खोजे जाए पड़ता, कोई मकान उकान बनैले रहता है ना तो बिगैले रहता है, कुन्ना कुन्नी वही लेके आते हैं, वही से पकाते हैं। ना देहन देवे ना करें, का करें, ना देता है। अप्लाई की थी इसके लिए? हाँ कैलुआ हाल तो ना दिल के बको, कोई नहीं दिया। लकड़ी कहाँ से लाती है? चून के, चुन के पेड़ छाट के बिगा है ना तो वही चुन के लावे। जब कभी लकड़ी नहीं मिलता होगा तो का करे, बाजार से सिंघाड़ा लिट्टी, सिंघाड़ा लिट्टी खा के रह जाते, तो का करूँ सत्तू उत्तू ला के सत्तू। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है अभी? आई बूढ़ा बूढ़े यो आ बेटा पुतो हो। तो बेटा पुतो सब साथ में रहते हैं? ना वो अलग रहा, बाल बच्चा लेके। तो यहाँ पे कौन कौन रहते हैं?
दूगो बूढ़ा बूढ़े यो एगो आ बेटा हो तो चाह के दुकान में रह प्लेट गिला धोब हो। इसमें तीन आदमी रह लेते हैं झोपड़ी में आप? आई वो पट्टी को बनल हो। अच्छा वो पट्टी बनल है। तो अच्छा ये लकड़ी जो चुन के लाती है तो कभी लकड़ी नहीं मिलता तो आप दुकान से लाते हैं? हाँ सत्तू खाए लागे। खरीद नहीं पाती है लकड़ी कोयला? ना चुन के लावा है। अच्छा मुखिया उखिया से शिकायत नहीं की कभी? तो शिकायत में कर रहे हैं तो सुनवे ना कर रहे हैं तो क्या करें। तो देख सकते हैं सिर्फ हम दादी का इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट बैठे चूल्हे के पास तो हम बिल्कुल पसीने पसीने हो गए। हमको यहाँ पे चक्कर जैसा लग रहा है। सोचिए कि हर रोज़ ये दादी यहाँ पे किस तरह से इस छोटे से झोपड़ी में बैठ के कैसे इस चूल्हे पे खाना बनाती होंगी इस लकड़ी पे। इस गर्मी में बिल्कुल कितना यहाँ पे गर्मी लग रहा है। सोचिए कि ये दादी कैसे इस गर्मी में बनाती होंगी। लेकिन फिर भी क्या करें, इनकी भी मजबूरी है। ये खाना नहीं बनाएंगी तो खाएंगी कहाँ से, क्योंकि जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। तो देखा आपने इस बस्ती की महिलाओं को आज तक गैस कनेक्शन का लाभ नहीं मिल पाया। उज्ज्वला योजना 1.0, 2.0 और यहाँ तक कि 3.0 के आने के बाद भी इन लोगों तक इस योजना का कोई असर नहीं पहुँचा। इस वजह से यहाँ की महिलाएं, चाहे वो गर्भवती हो या कितनी ही बुजुर्ग क्यों ना हो, आज भी लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। ये उनकी मजबूरी है, उनका जीवन है। अब आप बताएं, क्या आज़ादी के बाद भी इस देश का ये वर्ग वाकई में आज़ाद हुआ है? क्या ये गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग आज भी गुलाम नहीं हैं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ ही इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।